जैसे हमारे बड़े भाई आए हुए, हमारे बड़े भाभी आए हुए वहाँ से चुन के, वार्ड नंबर 57 संजय नगर भवन नगर, ये हमारे वार्ड में आता। तो उसमें के जो तीनों नगर से हम एक ही फैमिली में रहते, एक ही साथ में रहते, तो तीनों के उसमें तीनों के हमारे नाम गैप हो गए डायरेक्ट रनिंग नगर से होके, जिसमें से शबनम कलीम कुरैशी है, मलिका हबीब कुरैशी है और खतीजा कुरैशी मेरी मम्मी है, हम तीनों में से रनिंग चुन के आए हुए फिलहाल मेरी। तो इसमें से इतना बड़ा मतलब गेम किसने किया वो समझ में नहीं आ रहा, इसके अंदर कौन कौन मिले हुआ है, मैं इसकी इंक्वायरी करो बोल के एक एप्लीकेशन दिया आयुक्त के पास में। और इसके अंदर अभी जो उन्होंने करे हमारे पास के 620 नामा डायरेक्ट पूरी यादी, 22 नंबर यादी पूरी डायरेक्ट गायब कर दी इसके अंदर से। तो ये किसकी किसकी मिली भगत है, मैं उसके बारे में इंक्वायरी करो बोल के दिया मैंने। और इसके बारे में अगर इंक्वायरी नहीं करे उन्होंने तो मैं डायरेक्ट तीनों नगर से लेके उपोषण को बैठने वाला है, इनके ऊपर कार्रवाई करो बोल के, जो भी अधिकारी जिसने भी चौकसी किया उनके खिलाफ में। सर आपने इस सिलसिले में महापौर से भी, माननीय महापौर से भी मुलाकात की, तो सर आपको क्या लगता है बीच में आपका एमएम से कुछ ज़्यादा ही असमंजस चालू था, इलेक्शन में आप उनके अपोज में खड़े भी थे, तो क्या आप सीधे तौर पे एमएम को इसके जिम्मेदार मानते हैं? अभी मैं उनको तो जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, पर इन्होंने जो जिसने हरकत की है सबसे पहले मैं जो अधिकारी ने गलती की है मैं वो अधिकारी के खिलाफ में दिया, अभी जिसने भी चौकसी जो मेरे वाले के जो अधिकारी थे मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूँ सबसे पहली बात। सर अभी जो कोरोना वायरस की हवा औरंगाबाद में चल रही है, टूरिस्ट पॉइंट माना जाता है महाराष्ट्र में इसको सबसे बड़ा औरंगाबाद को, तो माननीय महापौर साहब ने भी मुख्यमंत्री जी को जो तो एक पत्र लिखे कि जो इलेक्शन की डेट है जो अप्रैल में होने वाला है इसको 6 महीने आगे बढ़ाया जाए, और आपके घर से भी 3 कॉर्पोरेटर है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हमारा बोलना आ रहा पुलिस का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ जब उन्होंने बनने की है, तो ये इलेक्शन को कौन से मुद्दे पर आगे बढ़ाना चाहिए? मेरा ये बोलना आ रहा कि जो पहले जो टाइमिंग पे हुआ था वही डेट को इलेक्शन होना चाहिए, मेरा ऐसा बोलना आता है जी। सर उनका बोलना यह है कि जब जमावड़ा एक जगह होता है तो ये बीमारी बहुत काफ़ी तेज़ी से फैलती है, और जो प्रोग्राम जब इलेक्शन शुरू होगा तो बहुत सारी सभाएं होंगी, बहुत सारे लोग एकजुट होंगे, तो ये औरंगाबाद में ना शुरू हो जाए तो आप क्या कहेंगे? अभी औरंगाबाद में तो ऐसा कुछ सुनने को आया नहीं, और मुझे नहीं लगता कि अपने औरंगाबाद के इलेक्शन रोकना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। हमारा आखिरी सवाल ये है कि आपके घर से 3 कॉर्पोरेटर जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो अभी औरंगाबाद में जो फिलहाल हमें जो दिखाई दे रहा है एमआईएम पार्टी की बहुत ज़्यादा हवा है, तो आप कांग्रेस से ही लड़ेंगे या आपका कुछ इरादा है चेंज करने का? देखो पहले भी हम कांग्रेस की पार्टी से है, मतलब 2 कांग्रेस है एक अपक्ष में चुन के आए हुए हैं, और हम अभी भी रनिंग पार्टी जो है हमारी वो उसी मतलब खड़े रहने का, कांग्रेस से खड़े रहने का चला। और कलीम सर एक आखिरी सवाल ये है कि हमें ये भी सुनने में आया कि अब कलीम सर के घर से 4 नगर से वोट चुन जाएंगे, 4 नगर से नाम जरा हमको बता दे। 4 नगर से बोले तो एक मैं खुद हूँ, और एक मतलब मेरा भाई है अभी भाई खुद, और उसमें से अभी एक डिसाइड नहीं करे, 2 डिसाइड नहीं करे कि किसको खड़े करना है, पर 4 नगर से फिक्स है, जिसमें से एक बार मेरा SC का छूट गया जिनसी का बार, तो मैं फिर भी एक SC का वार्ड मेरे हिसाब से मैं कैंडिडेट खड़े करने वाला हूँ, आपसे आज चुन के भी लाने वाला उसको। आपका जो घरेलू वार्ड है ये यहाँ से, तो सर ऐसा हमारे सुनने में है कि आप खुद यहाँ से इलेक्शन नहीं करने वाले? मैं कैसर कॉलोनी से इलेक्शन इसलिए नहीं खड़ा रहा हूँ, मैंने किसी को कमिटमेंट किया था, और जो वो वादा किया था मैंने वो हिसाब से वादे के हिसाब से मैं खड़े नहीं रह रहा, किसी को कमिटमेंट किया था कि भाई मैं ये अगले टाइम पे इलेक्शन छोड़ दूंगा बोल के तेरे लिए करके, वो जो भी कैंडिडेट रहा मैं उसका नाम नहीं बोलना चाहता। ओके सर, थैंक यू।